तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। एंड गाइस, फाइनली सभी कंट्री सभी रीजन का जो मेजर चैंपियनशिप होते हैं वो फाइनली ओवर हो चुके हैं। एंड अब हमें हमारी टॉप 24 टीमें मिल चुकी हैं जो कि फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप के प्लेन्स में खेलने वाली है। अब यार, कौन सी टीमें किस ग्रुप में रहेंगी, कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पहले के वीडियोज में बता दी है। तो फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप के अगर आपने कोई वीडियोज नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके वो वीडियोज भी देख लेना। बट हाँ, का जो पूरा वीडियो रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप ए के टीम्स के बारे में, उनके ड्रॉप पॉइंट के बारे में एंड कहां हमें क्लैशेस देखने को मिल सकता है, कैसे क्या चीजें होंगी। तो आज सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए के टीम्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि यार, अगर मैं दोनों ही टीम्स का एक ही वीडियो में बता दूं तो भाई काफी लंबा वीडियो बन रहा है एंड मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो इसीलिए पहले ग्रुप ए के बारे में बात करेंगे एंड देन कल एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग ग्रुप बी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलें क्योंकि यार आप हमेशा वीडियो देखते हो बट आप कहीं ना कहीं लाइक करना भूल जाते हो। तो यस, पहले से ही लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो गाइस शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी टीम्स आपको देखने को मिलने वाली है ग्रुप ए से एंड इनके बीच जो प्लेइंग्स होगा वो होगा 20 नवंबर को। अब यार सबसे पहले शुरुआत करते हैं किंग ऑफ गेमर्स क्लब एंड सिसगी की टीम आपको देखने को मिलने वाली थाईलैंड से। वहीं पर आपको एमसीपी रीजन से देखने को मिलेगी सुप्रीम असॉल्ट फोर्सेस की टीम, देसी गेमर ईस्पोर्ट इंडिया से। एंड बात करें इंडोनेशिया के टीम्स के बारे में तो गाइस डीजी ईस्पोर्ट एंड एससीएस एलफेंग की टीम आपको देखने को मिलने वाली है इंडोनेशिया से। बात करें अगर हम लोग यहां पर हमारी ताइवान की टीम्स तो ताइवान से आपको देखने को मिलेगी टीम एपिक एंड एक टीम और जिनका मुझे समझ में नहीं आया क्या नाम है, बड़ा अजीब लैंग्वेज में था। एंड बात करें पाकिस्तान की टीम्स के बारे में तो भाई पाकिस्तान से आपको देखने को मिलने वाली है फाइव म्यूटेंट एंड नो चांस की टीम। वहीं अगर मैं बात करूं यहां पर आपको गॉड ऑफ वुल्फ एंड हमारी एचक्यू ईस्पोर्ट्स देखने को मिलने वाली है वियतनाम से। तो गाइस ये तो थे टीम के नेम, अब जान लेते हैं इनके ड्रॉप पॉइंट्स के बारे में। तो गाइस शुरुआत करते हैं बरमूडा मैप से एंड सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारी इंडियन टीम्स के बारे में। तो गाइस इंडिया से खेलेगी देसी गेमर ई स्पोर्ट ग्रुप ए से एंड इनका जो ड्रॉप पॉइंट रहेगा बरमूडा में वो रहेगा पोचिनॉक। इसके अलावा गाइस बात कर लेते हैं हम लोग हमारी आर्च राइवल कंट्री से यानी पाकिस्तान के टीम्स के बारे में। तो पाकिस्तान से खेलेंगी दो टीमें, एक टीम रहेगी हमारी फाइव म्यूटेंट की टीम जो उतरना पसंद करेगी पीक पे एंड वहीं दूसरी टीम नो चांस की टीम उतरना पसंद करेगी मार्स इलेक्ट्रिक और फैक्ट्री के 2x2 स्प्लिट में। इसके अलावा गाइस बात करते हैं हमारी इंडोनेशिया के टीम्स के बारे में। तो इंडोनेशिया से खेलेगी डीजी स्पोर्ट्स जिनका जो ड्रॉप पॉइंट रहता है वो रहता है फैक्ट्री एंड ऐसे में हो सकता है कि आपको नो चांस और हमारे डीजी स्पोर्ट्स के बीच में क्लैश देखने को मिले। एंड जो इंडोनेशिया से दूसरी टीम है यानी हमारी टीम एसईएस एलफेंग की टीम, इनका जो ड्रॉप पॉइंट रहता है वो रहता है मिल। बट गाइस इंडोनेशिया की ये टीम को सामना करना पड़ेगा थाईलैंड की किंग ऑफ गेमर्स क्लब का मिल के साइड में एंड ऐसे में जो हमारी दूसरी टीम है थाईलैंड से यानी हमारी सिसगी की टीम, इनका जो ड्रॉप पॉइंट है ये रहता है हांगर के साइड में। तो यार ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर किंग ऑफ गेमर्स क्लब या फिर एसईएस एलफेंग की में से कोई एक टीम अपना ड्रॉप पॉइंट चेंज करे क्योंकि यार क्लैशेस लेना कोई पसंद करती नहीं है फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप जैसे बड़े टूर्नामेंट में, तो यार बिल्कुल भी नहीं। तो देखते हैं, काफी सारे एरिया वेकेंट है तो टीम्स जो है बिल्कुल ड्रॉप पॉइंट चेंज करेंगी एंड सैक्रिफाइस करेंगे बेसिकली। गाइस हम लोग बात कर लेते हैं वियतनाम की टीम्स के बारे में। तो गाइस वियतनाम से दो टीमें खेलेंगी ग्रुप ए से जो कि होंगी एचक्यू ईस्पोर्ट्स की टीम एंड इनका जो ड्रॉप पॉइंट रहेगा वो रहेगा ग्रेवयार्ड एंड जो दूसरी टीम है यानी हमारी जीओडब्ल्यू ईस्पोर्ट्स की टीम, इनका जो ड्रॉप पॉइंट रहेगा पीक। तो ऐसे में गाइस हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम फाइव म्यूटेंट का इधर सामना करना पड़े जीओडब्ल्यू ईस्पोर्ट जो कि आती है इधर हमारी वियतनाम से। अब देखते हैं क्या होता है, कौन सी टीम ड्रॉप पॉइंट चेंज करेगी, क्या करेगी, वक्त बताएगा। बट अभी के मुताबिक यही ड्रॉप पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गाइस बात कर लेते हैं हमारी ताइवान की टीम के बारे में। तो गाइस ताइवान से इधर आपको दो टीमें देखने को मिलेंगी जो कि है एपिक की टीम एंड इनका जो ड्रॉप पॉइंट रहेगा वो रहेगा बीमा शक्ति एंड जो एक और टीम है जिनका मुझे समझ में नहीं आ रहा है नाम क्या है एंड इनका जो ड्रॉप पॉइंट रहेगा वो रहेगा शिपयार्ड। मजा आया। तो यार ये तो थे टीम्स के नेम एंड टीम्स के ड्रॉप पॉइंट बरमूडा मैप में, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। पहले मैप में अगर हम देखें तो हमारी इंडियन टीम्स यानी हमारे देसी गेमर ईस्पोर्ट्स को तो कोई खतरा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि डीजी ईस्पोर्ट्स जो कि इंडोनेशिया से खेलती है उनका रोटेशन जो रहता है वो पोचिनॉक से ही होके जाता है, तो ऐसे में हो सकता है कि डीजी ईस्पोर्ट्स और देसी गेमर ईस्पोर्ट्स के बीच में हमें फाइट देखने को मिले मे बी। बट अभी तक के मुताबिक में ड्रॉप पॉइंट के बेसिस पर देखें तो हमारी इंडियन टीम्स को कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी क्लैश देखने को नहीं मिल रहा। अब चलते हैं परगेटरी मैप के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि परगेटरी मैप में कौन सी टीम्स का किधर है ड्रॉप पॉइंट।
तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे इंडियन टीम्स के बारे में। तो गाइस इंडिया से खेलेगी देसी गेमर ई स्पोर्ट एंड इनका जो ड्रॉप पॉइंट रहता है वो रहता है मोथ हाउस। बट यार इनके लिए काफी बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि इनके साथ तीन टीमें और उतर रही हैं जो कि आती है पाकिस्तान से, थाईलैंड से एंड वियतनाम से। पाकिस्तान से नो चांस की टीम, थाईलैंड से किंग ऑफ गेमर्स क्लब की टीम एंड वहीं वियतनाम से एच क्यू ई स्पोर्ट्स की टीम भी मोथ हाउस पर लैंड करती है। ये उनका भी ड्रॉप पॉइंट रहता है। तो ऐसे में देखते हैं कि कौन सी टीम यहाँ पर सेक्रीफाइस करेंगे एंड अपना ड्रॉप पॉइंट को लीव करेंगी। बट अब बात कर लेते हैं, बात करें हमारे एमसीपी रीजन से आपको देखने को मिलेगी सुप्रीम असॉल्ट फोर्सेस फील्ड के साइड में। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडोनेशिया के टीम्स के बारे में। तो गाइस इंडोनेशिया से डीजी इस पर उतरना पसंद करेगी स्की लॉज पे एंड वहीं पर एससीएस एलफेंग आपको उतरना हुआ देखने को मिल सकती है सेंट्रल पे। एंड वहीं जो वियतनाम और थाईलैंड से जो एक एक टीम और रह गई है यानी हमारी जीओडब्ल्यू ई स्पोर्ट्स की टीम एंड सिजगी की टीम आपको देखने को मिल जाएगी सेंट्रल में। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं पूरे मैप में तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि दो पर्टिकुलर एरिया में यहां पर हमें कुल मिला के 7 टीमें देखने को मिल रही है। एंड यार ये एपिक है, काफी एक बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, बट हाँ एट द एंड टीम्स जो है वो ड्रॉप पॉइंट चेंज करेंगी, ये अभी तक का प्रेडिक्शन है। हालांकि काफी सारे एरिया आपको इधर वेकेंट देखने को मिल रहे होंगे, फोर्ज खाली है, कैंप साइट खाली है, फायर ब्रिगेड खाली है, लंबर मिल खाली है, ब्राजीला का नीचे वाला एरिया खाली है। तो कुछ भी हो सकता है, टीम्स जरूर अपना ड्रॉप पॉइंट चेंज करने वाली है। गाइस हम लोग बात कर लेते हैं हमारे कालाहारी मैप के बारे में कि कालाहारी मैप में कौन सी टीम किधर उतर रही है। शुरुआत करते हैं हमारी इंडियन टीम से। तो भाई देसी गेमर ई स्पोर्ट अपना उतरना पसंद करेगी एज यूजुअल फाउंडेशन के साइड में एंड फाइव म्यूटेंट भी उधर उतर रही है। तो शायद हो सकता है कि हमें क्लैश देखने को मिले, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान देखने को मिले फ्री फायर में भी, तो काफी मजा आएगा। कौन सी टीम ड्रॉप पॉइंट चेंज करेगी वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम लोग इंडोनेशिया के टीम्स के बारे में। ग्रुप बी में इंडोनेशिया से दो टीमें खेलेंगी, डीजी ईस्पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे स्टोन रिज के साइड में एंड वहीं जो दूसरी टीम है एससीएस एल्फेंग की टीम वो आपको देखने को मिल जाएगी मेमोथ के साइड में। हालांकि गाइस मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से जो एक और टीम खेल रही है नो चांस, इनका भी ड्रॉप पॉइंट यहीं पर रहता है मेमोथ पे, ये उतरना पसंद करती है। तो ऐसे में हो सकता है कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान हमें देखने को मिले मेमोथ के साइड में। हालांकि गाइस जो ताइवान से एक टीम खेल रही है उनका नाम मुझे नहीं पता क्या है, बट उनका जो ड्रॉप पॉइंट है वो 10 सब भी हो सकता है एंड सब और मेमोथ में ही वो चेंज करते रहते हैं एंड वहां पे उतरना पसंद करते हैं। इसके अलावा गाइस ताइवान से जो दूसरी टीम खेल रही है यानी एपिक की टीम वो उतरना पसंद करती है ओल्ड हैम्पटन में। हालांकि इनका ओल्ड हैम्पटन और बेफ्रंट दोनों ही साइड में ड्रॉप पॉइंट रहता है, मैंने आपको ओल्ड हैम्पटन इधर मार करके दिखाया है, हालांकि इधर बेफ्रंट पे भी वो उतरना पसंद करती है। इसके अलावा गाइस किंग ऑफ गेमर्स क्लब आपको देखने को मिल सकती है कन्फाइनमेंट में एंड वहीं पर जो एमसीपी रीजन से टीम आ रही यानी सुप्रीम असॉल्ट फोर्सेस आपको देखने को मिल सकती है स्टोन रिज में। तो गाइस हो सकता है कि इंडोनेशिया और एमसीपी रीजन का फाइट हमें देखने को मिले स्टोन रिज के साइड में एंड गाइस क्लैशेस तो काफी सारे रहेंगे, टीम जरूर अपना ड्रॉप पॉइंट चेंज करेंगी, बाकी तो यार वक्त बताएगा। रिफिनरी जैसा बड़ा एरिया खाली है, श्राइन्स खाली है, काउंसिल हॉल खाली है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट हाँ टीम्स अभी तक के मुताबिक में जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स हुए उनके हिसाब से यही इनका ड्रॉप पॉइंट था जो कि मैंने आपको बता दिया है। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। आई नो कि थोड़ा सा लंबा वीडियो बन चुका है बट यार प्लीज पूरा वीडियो देखना एंड लाइक करना मत भूलना। एंड अगर आपको कोई भी देखना है एफएफएससी का वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जाके देख लेना।